सॉरी क्लियर हो गया था सर एकदम बेड बेटा, वो जो मैंने बोला था कि घर पे मिल्क लेके करना, एक बार सर। किसी ने यस ट्राई सर सर किया? ना किया था मिल्क का किया मिल्क था, वाला। मिल्क वाला किया क्या ये हुआ, आइस क्या क्राइट मिल्क इज हुआ नॉट बेटा? देयर सर। सर वो ऐसा हो रहा है वही सर, सबसे जो पहले आपने तो बोला, बहुत मीठा था, तो धीरे धीरे उसका मीठापन कम होते जा रहा था तब ऐसा हो उसमें। रहा था ना, यस सर बिकॉज धीरे धीरे उसके सर पार्टिकल्स टूटना बंद हो जा रहे थे और वो धीरे धीरे कम टूट रहा है, ठीक है, और उसका मिक्सचर जो हो रहा है इसीलिए वो कम सॉल्युबल है बाद में, और इसीलिए वो कम अच्छा मीठा लग रहा था। ओके, तो आज हम नया स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है, ऐसा फर्स्ट पॉइंट वॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, प्लीज ट्राई टू टेल मी। ओके सर Are you getting it now? यस सर यस यस सर विजिबल यस सर यस सर सर। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज, प्लीज बेटा ट्राई टू राइट डाउन इन एवरी 10 मिनट और 15 मिनट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड ऑल, बस बट नॉट एट ऑल, नॉट एवरी टाइम, बिकॉज आई एम गिविंग यू द कंट्रोल फॉर योर म्यूट एंड अनम्यूट, सो प्लीज डोंट मिसयूज इट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो द नेक्स्ट पॉइंट वॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एवरीवन इज राइटिंग व्हाट एवर आई एम राइटिंग इन द क्लास? यस सर यस सर यस सर यस सर The particles of matter never try to write like that you have some modules, then you are in class and you are not writing whatever I am telling you, just because of that you will write from your module. It's not a good thing beta, because I am telling you number of things from outside of the module, so just please try to write down everything, because you will confuse whenever you will be seeing your module and also your notes. So please try to make notes properly. Okay, so the prop, yes sir, sir sir this one, now you telling characterize the particles of matter spaces between them, so sir only molecules have spaces or atoms also? Beta, atom is the smallest unit, so how atom in between the atoms, how there will be some spaces in a single atom, sir, how atom ke aas paas aur atom हाँ उनके बीच में हो सकता है बेटा, लेकिन एक सिंगल एटम के बीच में कैसे हो सकता है? सर 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 एटम सर किस चीज से बना? क्या बेटा? सर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बट नॉट मच है बेटा, एक एटम की बात आप करोगे इतने बड़े पार्टिकल के अंदर, इतने बड़े मैटर के अंदर, आप एक ग्लास दूध लेके वहां पर एक एटम की बात कर रहे हो, मतलब कितनी हाइपोथेटिकल बात आप कर रहे हो, बताओ कि उसके अंदर आप स्पेस ढूंढ रहे हो। एटम एटम से एटम के बीच में स्पेस, चलो इट्स फाइन कि थोड़े बहुत स्पेसेस होंगे, बट आप अगर एक एटम के बीच में स्पेस ढूंढ रहे हो, आप इतने अंदर तक जा रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पेस को आप देख रहे हो, तो बेटा ये तो बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल बात हो गई ना। ओके, सो जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर आई एम राइटिंग। बात समझ में आई ना? यस सर यस सर यस। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सबको नहीं दिख रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। डाउनलोड हो गया था। हम क्या करते हैं, एक 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है सर, व्हाट यू हैव रिटन आफ्टर मैटर, मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हमने क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है yes. अब इस 100 ml ऑफ वाटर में बेटा, अगर आपने 20 ग्राम ऑफ शुगर, वैसे ये कोई एग्जैक्टली 20 ग्राम नहीं, आप इसको 100 ml में आप 10 ग्राम भी मिला सकते हो, 20 ग्राम भी मिला सकते हो, 30 ग्राम मिला सकते हो, जितना डिसॉल्व हो रहा हो। अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पता हो, क्या आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर यस सर सर
ओके अच्छा मैं बता देता हूँ, और इसमें डीपीपी में क्वेश्चन भी पूछूंगा जो मैं बताऊंगा, जिसको प्लीज आप सही से समझना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है लाइक आपने एक वाटर का ऐसे कंटेनर लिया, ठीक है, और वाटर को डाला उसमें, मान लो ग्लास में वाटर लिया। अब इसमें आपने सुगर डालना स्टार्ट किया, पहले आपने डाला 1 स्पून, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये डिसॉल्व हो गया, फिर कोई आया उसमें डाल दिया 2 स्पून, ठीक है, फिर भी उसका डिसॉल्व हो गया। चलो क्या सुगर 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 साल्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लो किसी ने 2 स्पून डाल दिया, तो फिर वो भी डिसॉल्व हो गया। फिर कोई एक लड़का आया पहुंचा, उसने 3 स्पून और डाल दिया, तो मान लो ये भी थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो गया या डिसॉल्व हो गया पूरा। अब कोई आया बोला कि नहीं मैं 4-5 स्पून और डालूंगा या 1 स्पून और डालूंगा। अब मान लो पूरा पूरा डिसॉल्व हो चुका है और अब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप स्पून क्या आप अगर एक पार्टिकल भी डालोगे ना तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। अगर मान लो आप सुगर का एक पार्टिकल भी डालोगे ना, जिस वक्त इसकी सैचुरेशन खत्म हो जाती है और जिस वक्त ये पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है ना ये इसके अंदर सुगर, उसके बाद अगर आप एक सुगर का पार्टिकल खत्म हो जाता है, हाँ, उसके बाद अगर आप एक पार्टिकल भी डालोगे ना इस सुगर का, तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। आप अगर इसको चेक करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। आप एक वाटर बोतल लेना या वाटर में ग्लास का वाटर लेना, ग्लास वाटर से भर के ग्लास लेना, और उसमें आप नमक डालना स्टार्ट कर देना। नमक सस्ता होता है इसलिए मैं नमक डालने की बात बोल रहा हूँ, घर में नमक बहुत सारा हो, आप नमक डालना स्टार्ट करना 2-4 चम्मच उसमें डिसॉल्व होगा, लेकिन 2-4 चम्मच के बाद क्या होगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। और जिस समय डिसॉल्व हो जाएगा, जिस समय उसका डिसॉल्व पूरा पूरा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फाइंड हो गया है, ठीक है, और उसकी सैचुरेशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। पर जैसे ही आप अगला पार्टिकल डालोगे वैसे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और वो अनसैचुरेशन की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, आपको बात समझ में आई? सैचुरेशन अगर हम हीट करेंगे तो उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं ना? हाँ, बढ़ा सकते हैं, तो वो तो बेटा सैचुरेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। सैचुरेशन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बेटा बोलो, यस सर, यस सर बता दो सर, सैचुरेशन कितने स्पून डाल सकते हैं बेटा? वो तो हमको नहीं पता, आप एक बार घर पे देख सकते हो। अब ऐसे मैंने कभी डाल के चेक नहीं किया कि कितने, अब पानी का कैसा है वो डिपेंड करता है ना, कहीं का पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा, मान लो कहीं ठंडा पानी है तो उसमें कम मिल पाएगा। हाँ, अगर ठंडा पानी है तो कम मिलेगा, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और गर्म वाटर उसमें ज्यादा मिलेगा, तो वो तो पानी पे डिपेंड करता है। हाँ, तो नॉर्मल वाटर पे एक बार मिला के देखना, गर्म वाटर मिला के देखना, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है उसको जानने के लिए कि कितना स्पून जाएगा, आप चाहो तो उसको करके दे सकते हो। चलो डिफिनेशन लिख लो, सैचुरेटेड की डिफिनेशन लिख लो बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनेशन लिखो, व्हेन वी आर डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, व्हेन वी आर डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, डिसॉल्विंग व्हेन वी आर डिसॉल्विंग a solute in the solvent, solvent have you idea about solute and solvent? Yes sir. Solute is a solid particle, whatever we are adding here like sugar and solvent is the thing that in which we are adding. So solute is always less and solvent is always more. Okay. So here sugar is solute and solvent is water. ठीक है? तो अभी मैं क्या बोला था? When we are dissolving solute in the solvent and observing the solubility of solute and observing the light को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं please 2 सेकंड के लिए. आप बार बार बोल रहे हो ना इसलिए आपको समझ में आ रहा है, मैं बोलता हूँ. एक बच्चा बताया कोई की क्या बोला मैंने, शिवा अग्रवाल आप बताना क्या बोला मैंने.
saturated solution. When we are solving a solute in the solvent and we are observing the solubility of solute in the solvent. Yes. If we are dissolving solute in the solvent and we are observing the solubility of solute in the solvent, then we will find... Sir, of solute ke baad kaise? Of solute in the solvent, then we will find... Then we will find till some time. Then we will find till some time. Then we will find till some time. The solute is solute will be dissolved in the solvent. Till some time. Then we will find. Then we will find till some time. Till some time. The solute will be dissolved in the solvent. Sir, I think till strong we should write some time after. Beta, okay, you are a 9th class student, but I'm just writing. I'm just writing a definition. Okay, no problem. Just see my screen. You will not be able to write the definition, whatever I'm telling you. So please write down whatever I'm writing. No. Just write whatever I'm writing here. Please mute your mic, please. Sir, this is Shiva Agarwal. Sir, what it is written after if we are... And if we are dissolving solute in the solvent, beta, first sentence it was. If you are not writing the first sentence till now, after the 5 minutes, then how your syllabus will complete? If we are dissolving solute in the solvent and observing the solubility of solute in the solvent, then we will find that till some time, solute will be dissolved in the solvent. And after some time, it will stop. At the saturation point. Saturation point means the time at which the solute will stop dissolving in the solvent, at the saturation point. Okay, so this solution will be called as saturated solution. Beta, have you written it? Yes, sir. Anyone of you have any problem with the definition? I have told you the simplest language, whatever I can tell you. If we are dissolving the solute in the solvent, agar hum solute ko solvent mein dissolve kar rahe hain aur observe kar rahe hain solubility ko solute ke jo solubility hai solute ki solvent ke andar, agar hum usko observe kar rahe hain, theek hai, uski solubility ko. तो हम ये पाएंगे कि कुछ समय तक तो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट आएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. सो दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो जो टाइम आएगा उस टाइम जो सॉल्यूशन फाइंड हुआ है उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एवरीवन इज गेटिंग मी? यस सर. यस सर. यस बेटा बोलो.
सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा उसके बाद हम लोग एक और स्पून डाल देंगे तो सर जो वाटर का लेवल है ग्लास में वो बढ़ जाएगा ना? हाँ तब बढ़ जाएगा और वो फिर वो बढ़ सकता है, लेकिन उसको भी घटाने के लिए आप चाहो तो हीट कर दो वाटर को, जैसे वाटर में कर रहे हो तो आप अगर हीट कर दो कि उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? बट एक आप नॉर्मल बात किया करो, जब भी आप एक कोई डिफिनेशन पढ़ रहे हो आप टेम्परेचर में मत जाओ इतनी जल्दी, आप एक नॉर्मल बात करो ताकि आपको पता तो रहे कम से कम चीजें, उस तरह से फिर कंफ्यूजन वाली चीज आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, तो नॉर्मल बात करो, एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम जब भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हम कर रहे थे वो किया क्या था, पहले वो लिख लेना फिर मैं उसको लिखा भी दूंगा, पहले एक बार देख लो। हमने किया क्या था, 100 ml ऑफ वाटर लिया था, 100 ml ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ सुगर हमने डाला था, ठीक है? और जब 20 ग्राम ऑफ सुगर को पहले वाटर का लेवल चेक किया, मान लो इस लेवल की हाइट इसके अंदर 4 mm है, ठीक है? बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल म्यूट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डेफिनेटली यू विल बी जस्ट, आप ऐसे बोलते रहोगे बट मैं ऑन नहीं करूंगा माइक को और फिर आप बोलने के लिए तड़प जाओगे, इसलिए प्लीज म्यूट करो माइक को और खुद से अपने हाथ में कंट्रोल रखो। ओके नो प्रॉब्लम। सो मान लो 4 mm की हाइट पे इसका जो वॉल्यूम है अभी इसमें दिखाई पड़ रहा है इस ग्लास में, ठीक है? अगर हमने 20 ग्राम ऑफ सुगर इसमें डाल दी, बेटा इसको मैं लिखाऊंगा बस आप समझ लो, बस 20 ग्राम ऑफ सुगर अगर इसमें हमने डाल दी तो क्या होगा बेटा, सुगर डालने के बाद आप देखोगे कि इसमें डिजोल्व कर दिया सुगर को। अब सुगर डिजोल्व करने के बाद हमने इसमें फिर से इसको चेक किया हाइट चेक करने के लिए, मान लो आपने कोई डंडी लगा दी या फिर कोई कोई आपने स्केल लगा दी, कैसे भी हाइट चेक कर सकते हो, कोई जैसे आपको एक बुक में या फिर आपके मॉड्यूल में हो सकता है लिखा हो कि ग्लास रॉड से आप चेक कर सकते हो, तो मे बी वो कैसे भी आप चेक करो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी की फिंगर इतनी बड़ी है कि वो एक ग्लास के अंदर चली जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी फिंगर है किसी के पास, तो फिंगर से भी चेक कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब 20 ग्राम ऑफ सुगर को हमने इसमें डाला, जब डाल के हम देखेंगे ना तो इसके जब पहले नहीं डाला फिर इसका लेवल चेक किया, मान लो 4 mm का आया, अब जब हमने 20 ग्राम सुगर डाल दी उसके जब उसके बाद जब फिर से इसकी हाइट चेक करोगे तो फिर से 4 mm आएगी, तो क्या पता चल पा रहा है कि इसकी हाइट या फिर इसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका लेवल सेम है, इसका मतलब देयर इज सम स्पेसेस बिटवीन इट, समझ पा रहे हो? क्या बेटा चले जाते हैं Solvent becomes saturated. एक समय saturation आ जाएगा और saturation के बाद फिर dissolve होना बंद हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे level बढ़ता जाएगा, वो ऐसा ही level बढ़ेगा जैसे आप किसी बाल्टी में पानी ले लो और उसमें एक ईट डाल दो तो आपको देखोगे आप उसका level बढ़ जाएगा। अरे आपने बचपन में वो कहानी सुनी है, घड़े में पानी रखा था और एक कौवा पानी पीने आया था, क्या हुआ था बेटा, उसने पानी के लेवल को उसने बढ़ाने के लिए क्या किया, कंकड़ पत्थर ला करके उसमें जमा किए और पानी का लेवल बढ़ गया और उसने पानी पी लिया। आपने पढ़ाना है कहानी? Yes, तो बस वही था कि कंकड़ पत्थर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, जब कंकड़ पत्थर डिसॉल्व नहीं होगा इसका मतलब वो फिर लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है? सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? बिल्कुल बेटा। सर जैसे जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होता और हम उसमें शुगर डालते हैं तो शुगर डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, so in that meantime उसका solution का level थोड़ा rise हो जाएगा फिर वापस से down हो जाएगा। बेटा वो बहुत अंदर जाके चेक करोगे तब पता चलेगा। आपको एक practical बताने का मतलब ये हुआ कि आप इसको practical complete होने के बाद, आप देखो आप क्या बात कर रहे हो पता है, आप बात कर रहे हो कि एक आपके पास glass है, इसमें आप मान लो इसमें sugar डाला, ठीक है? अब 4-5 seconds में या मान लो एक मिनट के अंदर dissolve होना है मान लो इसको, तो आप उस एक मिनट की बात कर रहे हो, उस एक मिनट में क्या होगा, तो बेटा उसने अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम ओवरऑल प्रैक्टिकल की बात करेंगे। सर क्या बेटा बोलो? सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन फॉर द लास्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन? आई विल डू दैट बेटा, प्लीज वेट एंड सी व्हाटएवर आई एम राइटिंग हियर। सो व्हाटएवर दिस स्टूडेंट इज सेइंग, आपका नाम क्या बेटा? सर गर्वित अग्रवाल। ओके तो जैसे गर्वित ने बोला था कि इसका राइज करेगा इसका थोड़ा सा लेवल, तो ये बात सही है कि जिस वक्त तक डिसॉल्व नहीं रहेगा उस वक्त तक थोड़ा सा राइज करेगा, बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल सॉल्यूशन बनने के बाद का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमें डिसॉल्व करने के बाद वो सेम है।
हाँ डिसॉल्व करने के बाद वो सेम आएगा क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं बेटा ना, तो प्रैक्टिकल में हम ओवरऑल प्रैक्टिकल तब कंक्लूड कर पाएंगे जब हम उसका कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, मतलब डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिख ली पूरी? Yes, sir. Could you tell me the chemical formula of sugar? It is. Yes, sir. Level नहीं पड़ेगा, उसकी height नहीं पड़ेगी. Chemical formula of sugar किसको पता है? किसको जानना है? Excuse me, sir. No, sir, I am confirming it is C6H12O6. Yes, beta. It is 6H12O6. अगर sugar से भी अगर आपको मीठा कोई चीज लेना है तो वो होता है sucrose. आपको आगे चल के पता चलेगा एक sucrose particle होता है, इसका C11H10O11 होता है बेटा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये सुगर से भी स्वीट होता है, सबसे स्वीटेस्ट पार्टिकल माना जाता है वैसे ये सुगर जितना होता है। क्या बेटा? सर ये सुक्रोज फाइंड का होता है, कहां पर आएगा बेटा? एक केमिकल फॉर्मूला है, इसको केमिकली बनाया जाता है सुक्रोज के, और मे बी किसी मे बी कहीं पाया जाता हो, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है अभी, बट इफ यू इफ यू आर सर इज इट ईटेबल और नॉट, जल्दी ज्यादा तो नहीं करते हैं बट कहीं कहीं इसको मिक्स करते हैं जहां पर ज्यादा मिठास की जरूरत पड़ती है। सर इज इट द पार्ट ऑफ ग्लूकोज लाइक लैक्टोज एंड फ्रक्टोज? नो, लैक्टोज फ्रक्टोज आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे आर जस्ट आइसोमरिज्म ऑफ ईच अदर, बट दिस इज द डिफरेंट थिंग बिकॉज दे हैव द 11 कार्बन चेन, बट दिस इज नॉट योर पार्ट, इट्स 9th क्लास। ओके, सो आई एम जस्ट सर आपने जो C6H12O6 लिखा है ये शुगर का फार्मूला है? Yes, beta. This is glucose. Actually, it is called as glucose. Sir, आप sucrose का chemical formula एक बार बोल सकते हैं? C11H22O11. Carbon 11, hydrogen 22, oxygen 11. Okay, this is the sweetest particle. Okay, so we are just moving forward. So जो हमने अभी बताया आपको उसको हम लिखाएंगे definition और conclude करेंगे उसका conclusion क्या है? ठीक है? Beta, please write down. Please. I'll just give you time to ask the question. Okay, so please write down if you have, if can I, मैं इसको write करूँ screen पे, आप write कर लोगे? सर आप बोल दो। क्या बेटा हर कोई comfortable है बोल के write करने में? Yes sir. Sir. Okay, so just write it down. Just write it down, बेटा. We take about 100 ml of water in a beaker. Sir, this is conclusion. No, beta. This is experiment. We take about 100 ml of water in a beaker and after about 100 ml of water in a beaker, but I am just writing on the screen, no problem sir. Beaker ke baad, but I am just writing on the screen. Okay, just try to see me whatever I'm writing here. If you will get it, just please write down. We take, no problem, I'll write it. We take about 100 ml of water. We take about 100 ml of water in a beaker and mark the level of level of means height of water for the reading. So we will also take we will also take 20 gram of sugar. Now we will dissolve. Now we will dissolve the sugar by. Now we will dissolve the sugar by stirring. Now we will dissolve the sugar by stirring and we get a sugar solution. And we get a sugar solution. Okay.
sir, what you write about... Beta, I'm just telling you whatever I have written. We take about 100 ml of water in a beaker and mark the level of or height of, it is also called as height of water. We will also take 20 gram of sugar. Now we will dissolve the sugar by stirring and we get a sugar solution. Have you idea about stirring? Yes, sir. Please write it down. Please write it down. Okay. I just told you the example earlier. Just please see here. I just told you for the diagram, whatever you will draw. But I'm just writing it down again. You can also find in module also, but just please write it down, whatever I'm writing here. So just you have this water. फिर जो आप भी डायग्राम बना रहे हो ये हम अपने उसमें भी बना लेना यस प्लीज राइट डाउन एंड यू आर गेटिंग द लेवल लाइक दिस ओके दिस इज द लेवल ओके आफ्टर इट हियर मे बी इट इज 200 ml ऑफ वाटर इट्स 200 ml ऑफ वाटर हियर मार्क द लेवल Where you will mark the level? Just this position. This is the mark of level. This is mark of level, okay? We and, can also write 100 ml. Sorry, beta. Sir, you have 100 ml and you have written 200 ml. Sir, please write down 200 ml. Not it's you can take 100 ml also. You can take 200 ml also. You can take 300 ml also. There is not any problem, beta, okay? So this is the 200 ml. So have you written here? Now please just also write like this. Okay, no problem. Actually, my diagram is not good. I have not the good artist skills. Okay, the level is like this. So level Sir, is like. Sir, आपने वो क्या लिखा है ऊपर more. बेटा कहाँ पे? Sir, mark the level. Mark the level. Or this is beaker, and this is 200 ml of water. Okay. Now the level is same, and you had just dissolved the some particles of sugar. You had just put here some particles of sugar, and the same water will be like this. Okay. And so was there Garvit? Is there Garvit? Yes, sir. So you were telling na ki if you will just put the sugar here, then maybe some rise in water, it will happen. Okay, was that sir. This was your point? So yes, there will be some rise in water, but we are just moving forward for the final decision, whatever will be it. So we will just take a glass rod or spoon, no problem, and we will just stir it. Okay. So we will just stir it, and then we again find the solution. This is the final product. So what is the whatever we are just doing in the experiment? So we will just find the label is like maybe here it can be rice. Whenever we will just draw here, just put here some sugar. Maybe here it will rise, but in the final position, please also mention the sugar. Is sugar and this is a stirring already I have mentioned it and no problem and the remaining things are same so the gram of sugar is please write down 30 gram of sugar this is 30 gram of sugar okay take 30 gram of sugar okay and now if you will check the label again then you will find the label is like same This is we are drawing on this level, na? We are every time we had just drawn on this level. In each type of diagram, you can see that level is like same, okay? And the downward level is also same in each diagram. Yes, sir. So it's just for your conclusion. So level is always same. Whatever you are doing here, sir, maybe, I have written the conclusion.
No problem, beta. In your language, you can also write the conclusion, but I'll try to tell you. Okay. So please write down the conclusion. So everyone have now idea about this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Is there any problem? Yes, sir. No, sir. Sir. Try to give the time at your home also. Whatever I'm just telling you, just please try to give sir, the time. Can you explain again? Sorry, beta. Sir, can you explain again? Yes, yes, no problem. So this is the glass number one, A. Okay, this is B type when it will converted in B, and this is converted in C. Okay, no problem. So this is the first point where we are just observing it. So here we have taken केवल हमने क्या किया है कि एक लेबल लिया है और वो लेबल मान लो इसका जो हाइट है मान लो 4 mm का हाइट है, ठीक है। अब 4 mm के हाइट तक मैंने क्या किया, ग्लास में वाटर भर दिया और लेबल हमने इसका माप लिया कि 4 mm के हाइट तक है। अब इसमें हमने क्या किया कि 200 ml ऑफ वाटर लिया था। अब इसमें हमने 30 g ऑफ शुगर डाल दी, ठीक है। अब 30 g ऑफ शुगर जब डाला तो इसके पार्टिकल शुगर के नीचे की तरफ आ गए। अब शुगर के पार्टिकल नीचे की तरफ, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। सर यू कैन म्यूट ऑल। ओके, आई एम जस्ट म्यूटिंग यू ऑल, जस्ट म्यूटिंग यू ऑल बिकॉज़ यू गाइस आर नॉट। तो बेटा यहाँ पे क्या किया हमने कि सबसे पहले क्या किया, पार्टिकल्स को डाला इसमें, शुगर के पार्टिकल्स को 30 g ऑफ पार्टिकल्स डाले और उसको स्टिर कर दिया। और जब स्टिर करके हमने फाइनल प्रोडक्ट देखा तो ये सी पार्ट में फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल में क्या हुआ, इसका लेवल एज इट इज रह गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके जो शुगर के पार्टिकल्स थे उसके अंदर डिजोल्व हो गए। अब डिजोल्व हुए तो इसका ऑब्वियसली डिजोल्व होने के बाद इसका लेवल राइज करना चाहिए, लेकिन वो राइज नहीं किया। आपने कभी आज एक काम करना, घर पे जाकर के आप एक काम करना, लेना आप, अभी कंक्लूजन मत लिखो, आप एक लेना ग्लास और ग्लास में लेना आधा ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, हाफ ग्लास ऑफ लेना मिल्क। अब इस मिल्क के अंदर आप डाल देना बिस्किट, 5 biscuits डालना। जब आप बिस्किट डालोगे ना तो इसका लेवल जो था यहाँ पे था ना, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा हुआ आपको दिखाएगा। आप इसको करके भी देखा होगा आप लोगों ने, हर किसी ने बिस्किट खाया होगा घोल करके, मैंने बचपन में बहुत खाया होगा। तो आप इसको देखोगे इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसके जो बिस्किट के पार्टिकल है उनका भी थोड़ा सा वेट आ गया और उनके भी थोड़ा सा पार्टिकल आ गए जो इसके ऊपर भर गए हैं। अब इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल जाएगा। अगर बिस्किट के पार्टिकल इतने छोटे होते कि वो इस चाय के या मिल्क के जो जो इसका मिल्क के अंदर का जो स्पेस था अगर वो इसके अंदर फिल हो जाते ना तो इसका लेवल राइज नहीं करता, वो उतने ही लेवल पे रह जाता, ठीक है। ओके, सो ये है आपका लेवल। तो ये भी एक कर सकते हो आप। कौन रेज हैंड कर रहा है, यस बेटा बोलो। तो मतलब तो ये था कंक्लूजन कि अगर वेट होगा पार्टिकल्स का तो उससे बढ़ेगा लेवल। बेटा वेट तो हमेशा होगा, वो तो शुगर का भी होगा, ये मैंने नहीं बोला। वेट तो मैंने एक पॉइंट, बेटा जो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोला वो आपने पकड़ लिया और मैं 20 पॉइंट बोल रहा हूँ इतनी देर से। आप बताओ कि वेट का तो बढ़ना तय है, अगर मास इसमें डालोगे ना तो मास कंजर्वेशन का रूल होता है कि मास अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो मास तो कंजर्व रहेगा। मतलब मास अगर इसका मास m1 था और इस शुगर का मास m2 है तो ये इसमें जाकर के थोड़ा बहुत मास तो बढ़ाएगा, लेकिन उसके पार्टिकल उसके जो स्पेसेस थे उसके अंदर ये शुगर पहले चली गई थी, लेकिन मिल्क में वो जा नहीं पाएगा। उसका वेट तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ साथ इसका लेवल भी राइज कर गया बिकॉज उसके जो स्पेस थे बीच में उसके अंदर कुछ भी हो नहीं पाया, उसके अंदर बिस्किट के पार्टिकल जा नहीं पाए, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो जा पाए, ठीक है, इसलिए उसका जो लेवल था वो भी बढ़ गया। बेटा आयुष शर्मा क्या बोलना चाहते हो आप? Yes, sir, I want to say, कि सर अगर जो चीज हम सॉल्यूशन में डालेंगे उसका अगर पार्टिकल स्मॉल होंगे तो सर वेट उसका सर लेवल नहीं बढ़ेगा, अगर पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से बड़े होंगे तो लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल बेटा, so, समझ में आ गया ना ये बात। अब कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूजन लिख रहे हैं उसको आप राइट कर लेना।
बेटा ऐसी एकदम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और ये नहीं कि बाद में कोई चीज आपसे पूछी जाए तो आप बता ना पाओ, एक एक चीज मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, तीन चार एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर ये मेरे लिए सेम की बात होगी। तो प्लीज घर पे इसको सही से एक बार देखा करो, जो भी मैं पढ़ाऊँ कंक्लूड करो टॉपिक को, कंक्लूजन पे लिखा दे, ठीक है? तो कंक्लूजन इज द लेवल ऑफ सुगर सोल्यूशन, द लेवल ऑफ सुगर सोल्यूशन, द लेवल ऑफ सुगर सोल्यूशन in the beaker is at same mark, in the beaker is at same mark where, in the beaker is at same mark where water level initially in the beaker, where water level was initially in the beaker, okay? It shows that there must be some spaces between water molecules, there must be some spaces between water molecules and now sugar particles are disappeared in that spaces are disappear sugar particles are disappeared in that spaces and also can be said that water molecules are not टाइटली पैक्ड। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जैसे अभी ये वाटर मॉलिक्यूल है वो ज्यादा टाइटली पैक नहीं, इसीलिए उसके अंदर वो मॉलिक्यूल जा पाए वाटर के। अगर वो टाइटली पैक्ड होता तो क्या होता, जैसे जैसे सॉलिड का पार्टिकल टाइटली पैक्ड होता है, लाइक कोई अगर हम बड़ा पार्टिकल सॉलिड का लेते हैं उसमें कुछ डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इतनी जल्दी डिजोल्व तो होगा ही नहीं। मान लो अगर उसको हम जैसे मान लो एक शुगर को मैंने क्या किया, मिक्सर में पीस दिया और उसके बाद शुगर को मिक्सर में पीस करके उसमें हम नमक को मिक्सर में पीस करके दोनों को उधर मिलाएं, उसके पार्टिकल उतने से डिजोल्व नहीं हुए, वो आपको भले ही आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन शुगर है कौन वो है सॉल्ट है, तो एक दूसरे के में वो दिख जाएंगे लेकिन बस वो डिजोल्व नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं शुगर के पार्टिकल्स के बीच में और या फिर सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो एक दूसरे को घुलने नहीं देते अपने अंदर इतनी ईजिली से, ठीक है? तो बेटा आप सबको समझ में आया, मैं कर देता हूँ अनम्यूट, यार ऐसे मजा नहीं आता। बेटा बोलो समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके तो कंक्लूजन लिख लिया आपने ना? यस सर, यस सर। आप मिल्को वाला एक्सपेरिमेंट फिर से समझा सकते हैं? कौन सा वाला बेटा? सर अभी आपने सिर्फ मिल्क वाला कराया। सर प्लीज एक्सप्लेन कंक्लूजन। ओके बेटा कंक्लूजन समझाएंगे मिल्क वाला से। मिल्क वाला क्या कराया था बेटा? जो ये बिस्किट पार्टिकल डाल के करवाया था? यस सर, यस सर।
आप एक बार देखोगे ना तो जो मिल्क का जैसे मान लो आपने क्या किया, ये देखो, चलो मैं यहां बता देता हूं, ये आपने एक ग्लास में ले लिया मिल्क, ठीक है, यहां तक आपने मिल्क लिया, आज घर पे इसको करना भी, यहां तक आपने क्या किया मिल्क ले लिया, इसका मार्क आपने लेवल किया, चलो यहां तक मान लो ताकि ये आपका लेवल समझ में आए, एकदम एग्जैक्ट दिस लाइन तक आपने ले लिया मिल्क, ठीक है, इसके अंदर अभी है मिल्क। अब आपने क्या किया, चार बिस्किट्स डाल दिए इसके अंदर, बिस्किट्स क्या होगा डिजॉल्व हो जाएगा, अब डिजॉल्व होके वो सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब डिजॉल्व होगा बिस्किट तो पूरा पूरा लेवल इसका राइज कर जाएगा, जहां तक आ जाएगा, आप अगर देखोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर आप किसी ने बचपन में या फिर अभी भी आप अगर खा रहे हो, वैसे मैं भी कभी कभी खाता हूँ गरम मिल्क में, मैं कभी कभी मैं गरम मिल्क में बिस्किट डाल के कभी कभी खाता हूँ ऐसे ही डिजॉल्व करके, और मैं देखता हूँ कि मेरा जो दूध था ना वो ज्यादा बढ़ गया है अभी, तो मैं थोड़ा सा मिल्क लेता हूँ, आधा ग्लास ऑफ मिल्क लेता हूँ, उसमें बिस्किट एक पार्ले का पूरा बिस्किट डालता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि वो लगभग एक ग्लास बन चुका है, आपने कभी वो देखा हुआ है ऐसा करके? सर मेल में तो नीचे भी जम जाता है। यस सर। हेलो। यस सर। नीचे भी जम जाता है। सर आपकी आवाज चली गई। बेटा बेटा एक मिनट, जस्ट वन मिनट। सर कॉल पे बात कर रहे हैं, प्लीज कीप क्वाइट। हेलो यस सर। तो बेटा आप अगर इसको करके देखो ना, मैंने इसको करा हुआ है कई बार और मैं लगभग हर दो चार दिन में एक बार करता ही हूँ ये एक्सपेरिमेंट। सर इसमें बहुत सारा बिस्किट का पार्ट नीचे भी जम जाता है। बिस्किट का पार्ट नीचे भी जम जाता है क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है बेटा, वो मास आ जाता है। अगर आप बिस्किट के अंदर अगर मान लो वाटर के पार्टिकल घुस चुके हैं तो उसके अंदर बिस्किट में मास बढ़ गया है, और आपने ये चीज देखी हुई है कि अगर वाटर से ज्यादा डेंसिटी किसी की बढ़ेगी तो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर वो नीचे बैठ जाएगा, आप इसको बहुत पहले से देखते आ रहे हो। जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही डेंसिटी बढ़ी ना, अगर किसी पार्टिकल के अंदर मान लो वाटर पार्टिकल के अंदर जैसे मान लो बिस्किट के पार्टिकल के अंदर मिल्क के पार्टिकल घुसे और उसकी थोड़ा सा वेट बढ़ा ना, आप देखोगे नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि उसका वेट बढ़ गया बेटा, ठीक है। ओके सो अभी आपको इसका पता चल गया बेटा, जिसने पूछा था एक्सपेरिमेंट फिर से पता चल गया इसको। हेलो यस सर। बेटा किसी को इस एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूजन है? सर आपने अभी बताया था कि जो सॉल्ट और शुगर का अगर हम पाउडर करके सॉल्यूशन में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, पर सर पाउडर तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, मैं वाटर में डिसॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा था, मैं शुगर को बोल रहा था, मैंने सॉलिड का बोला, शुगर है और इसको मैंने मिलाया साल्ट के अंदर, अब इसको मैंने ले लिया एक डिब्बे के अंदर, तो आप देखोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट की शुगर के पार्टिकल अलाउ नहीं करते हैं कि वो साल्ट के पार्टिकल उसके अंदर घुस के एक मिक्सचर बनाए, वो अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो बहुत टाइटली बंडेड होते हैं, वो अपने अंदर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, मे बी चार शुगर पार्टिकल्स रखे हुए हैं ऐसे अलग अलग, उसके अंदर कहीं नमक ऐसे ऐसे घुस गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो मैं एक बार अलग अलग कलर से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे समझ लेना इसको, आपको पता होना चाहिए। मान लो ये शुगर है, मान लो शुगर है, ब्लू कलर से शुगर दिखाया गया, ठीक है। अब अगर मान लो आपने क्या किया, चार पार्टिकल आपको मिल गए साल्ट के, तो वो देखोगे कि साल्ट के पार्टिकल कहीं ऐसे ग्रीन में, कहीं ऐसे, मान लो चार पार्टिकल आ गए, इसके बीच में आपको दिख तो जाएंगे कि इसके साथ मिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो शुगर के किसी एक पार्टिकल के अंदर घुस के बैठ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा, क्योंकि शुगर के पार्टिकल अपने अंदर अलाउ नहीं करेंगे उनको, क्योंकि उनके पार्टिकल ऑलरेडी टाइटली बाउंडेड होते हैं। बात समझ में